से हेल्प हुआ तो हेल्प भी करते हैं और उस हिसाब से हमको मतलब देख के बुलाया गया। तो आप एक सोशल वर्कर हैं जी, तो अब ये पार्टी में आप क्या करना चाहते हैं? ये पार्टी में हम जी जान से मेहनत करना चाहते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जितना हो सके हम पीछे नहीं हटेंगे और जो भी होगा हम जहाँ तक होगा हम अपना ही नहीं दूसरे विधानसभा के लोगों से लोगों को भी हेल्प करेंगे। जहाँ तक हमारा वोट होगा जो भी है उसको हम देखेंगे। कैसा आगे बढ़ाएंगे ये पार्टी को आप? खून पसीना से चुनाव से जो भी है हम पीछे नहीं। समाज सेवा संघ का चेयरमैन मैं समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक एमआरपी से राजगिरी विधानसभा से खड़ा हूँ। मैं अपने पूरे हिंदी वासियों के लिए जो आज 20 साल 25 साल से लगभग हैदराबाद में रह रहे हैं वो भी यहाँ के नागरिक हैं। आज के डेट में इलेक्शन आने से पहले उनको याद किया जाता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या टीआरएस पार्टी हो या टीडीपी पार्टी हो, अनदर कोई भी पार्टी हो, हिंदी भाषियों को केवल इलेक्शन आने से पहले उनको याद किया जाता है। इलेक्शन बीतने के बाद उनका क्या वैल्यू है, वो क्या अस्तित्व में है, उनसे क्या मतलब है, उनके साथ हम लोग क्या वादा किए हैं, ये कोई भी राजनीतिक पार्टी उसको याद नहीं रखती। इसके वजह से हम लोगों को एक स्ट्रेंथ मिला, एक हम लोगों को स्टेप मिला, एक स्टेज मिला, ये समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। बाकी कोई भी पार्टी उतना हम लोगों को वैल्यू नहीं देती है कि आप इलेक्शन में खड़ा हो। आपका कर्तव्य क्या है, केवल आप एक आइए और वोट दीजिए। हमारे भी कुछ लोग ऐसे हिंदीवासी हैं जो पैसा लेते हैं, अपना काम करके उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। उनका काम है वोट दे देना, निकल जाना, लेकिन यहाँ वोट देने का मेन मतलब क्या है वो चीज़ लोग नहीं समझ पाता। उस चीज़ को हम लोग जागरूक करने के लिए समाजवादी पार्टी में घुसे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ साथ हम लोगों का भी विकास होगा प्लस समाजवादी पार्टी का भी विकास होगा। रहा बात हिंदी वासियों के लिए, सबसे पहला चीज़ क्या है, ये पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन और वंदन करता हूँ कि जो कि हिंदी वासियों के लिए भी उन्होंने अपने पार्टी में जगह दिया। जैसे मलकाजगिरी से मैं, उपल से अमित पांडे और एक दो लोग हैं, अभी ये तो पहला लिस्ट डिक्लेयर हुआ है, सेकंड और थर्ड लिस्ट में भी कुछ हिंदी भाषी लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेम सर तेलुगुदेशम पार्टी अयिना సరే కాంగ్రెస్ పార్టీ అయినా సరే ప్రతి పార్టీలో 30 ఏళ్ళ నుంచి చాలా కష్టపడి చేసిన కూడా మేము ఒడ్డెర కులం మాది. అయితే బీసీలు అని చెప్పేసి మాకు ఏం చేసలేరు, మాకు ఇష్టలు కలపలేరు. రాయి రప్ప కొట్టి మా తాతలు కొడుతారు, మా నాయనలు కొడుతారు, మేము కొడుతున్నాము, మా పిల్లలు చేస్తారు. మమ్మల్ని లిస్టులో ఎందుకు కలపరు సార్? 50% బీసీలు వాళ్ళు లిస్టులో ఎందుకు కలుపుతారు అని ప్రభుత్వం అందరి నుంచి నేను కోరుతున్నా సార్.